हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल मानसी सेल वर्ल्ड्स। गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज का। और आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है वन प्लस का स्मार्ट टीवी जो कि है 43 इंचेस का। इसका मॉडल नंबर है 43Y1 और ये एक एंड्रॉयड टीवी है जो कि आता है एंड्रॉयड टीवी 9.0 के साथ। तो गाइस, करेंगे इसका रिव्यू, जानेंगे इसके फीचर्स, देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस। तो गाइस फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, दबाओ नोटिफिकेशन की बेल ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है मानसी सेल। तो गाइस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। तो बॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाते हैं कुछ मैनुअल्स, एक रिमोट और साथ में है कुछ बैटरीज और साथ में है कुछ नट बोल्ट। तो अगर बात करें रिमोट की तो कुछ इस तरह का हमें रिमोट मिल जाता है। रिमोट में हमें साथ में मिलता है डेडिकेटेड बटन फॉर नेटफ्लिक्स, फॉर प्राइम वीडियो, फॉर यूट्यूब। साथ में ये जो रिमोट है ये आता है गूगल असिस्टेंट के साथ। अगर बात करें यहाँ पर तो दो बैटरीज इसमें लगती हैं और दोनों की दोनों जो पावर बैटरीज हैं वो हमें इसके साथ ही मिलती हैं। इसके बाद गाइस कुछ हमें ये पैच वगैरह मिल जाते हैं जो कि काम आते हैं। साथ में हमें कुछ बैटरीज मिल जाती हैं और इसके बाद हमें मिल जाता है ये कंप्लीट मैनुअल। तो मैनुअल हमेशा से यूजफुल होता है। इसके बाद गाइस इसको टेबल माउंट करने के लिए ये स्टैंड मिलता है। इसके साथ जो बॉल माउंट वाला स्टैंड है वो नहीं आता है। इसके बाद हम जैसे ही ये जो थर्माकोल है इसको निकालते हैं तो अंदर हमें मिल जाता है हमारा टीवी। तो गाइस कुछ इस तरह की पैकिंग में इसके अंदर जो टीवी होता है वो रखा हुआ रहता है। तो गाइस अगर बात करें टेबल टॉप स्टैंड की तो हमें ठीक ठाक क्वालिटी के टेबल टॉप स्टैंड मिल जाता है। साथ में कुछ स्क्रू वगैरह मिल जाते हैं और इसको फिट करना काफ़ी आसान होता है। सिंपली आपको जो स्क्रू होते हैं उसको कस देना है और आपका जो टेबल टॉप स्टैंड है वो तैयार हो जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं इस टीवी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन की। तो गाइस इस टीवी के साथ हमें मिल जाती है फुल एचडी स्क्रीन विथ 1920x1080 रेजोल्यूशन विथ रिफ्रेश रेट ऑफ 16 हर्ट्ज। अगर बात करें साउंड की तो इस टीवी में हमें मिलता है डॉल्बी ऑडियो विथ 20 वॉट्स आउटपुट। तो गाइस अगर बात करें इस टीवी के स्मार्ट फीचर्स की तो ये टीवी आती है एंड्रॉयड टीवी 9.0 के साथ जिसमें हमें मिलता है वन प्लस कनेक्ट। तो वन प्लस कनेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्टली अपनी टीवी को कंट्रोल कर सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू। साथ में इसमें हमें मिल जाता है गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट। साथ में इसमें इनबिल्ट है क्रोमकास्ट। साथ में हमें इसमें मिलता है शेयर्ड एल्बम का फीचर जिससे आप डायरेक्टली अपनी जो भी मेमोरीज हैं फ़ोन में जो आप क्लिक करते हो या जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो उन सारी मेमोरीज को अपनी टीवी पर। साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन प्ले का सपोर्ट। ऑक्सीजन प्ले से जो आपका कॉन्टेंट देखने का एक्सपीरियंस होता है या सर्च करने का एक्सपीरियंस होता है वो एकदम से एनहांस हो जाता है। और चूंकि ये कि एंड्रॉयड टीवी है तो इसमें हमें मिल जाता है मल्टीपल एंटरटेनमेंट एप्स का सपोर्ट लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो। तो गाइस अगर बात करें इस एलईडी पैनल के अदर स्पेसिफिकेशंस की तो हमें इसमें मिल जाता है नॉइस रिडक्शन, कलर स्पेस मैपिंग, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट, एंटी अलाइजिंग। साथ में हमें इसमें मिलता है गामा इंजन जो कि एनहांस करता है ऑडियो, वीडियो एंड पिक्चर क्वालिटी। तो गाइस बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड लुक एंड फील की। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हमें लुक एंड फील इसमें मिल जाती है। इसकी बॉडी काफ़ी स्लीक है जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी स्लीक टीवी है और कुछ इस तरह का इसमें कंप्लीट हमें लुक एंड फील यहाँ पे मिल जाता है। बात करें इसकी अगर एनर्जी रेटिंग की तो यहाँ आप देख सकते हो 4 स्टार मेंशन्ड है। साथ में यहाँ पर साइज भी मेंशन्ड है 108 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर बात करें इसकी थिकनेस की तो काफ़ी पतली सी ये टीवी है तो एक हमें अच्छा इसमें लुक एंड फील मिलता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉल माउंट की। तो इस टीवी के साथ हमें किसी भी तरह का कोई भी बॉल माउंट नहीं मिलता है। तो जब आपके घर इंस्टॉल करने वाला जो इनका इंजीनियर है वन प्लस का वो आएगा तो वो अपने साथ बॉल माउंट को लेके आता है और इसके वो भी चार्जेस आपसे लेगा। तो गाइस हमारे केस में हमने जो बॉल माउंट है वो अलग से लिया हुआ था और जब इंजीनियर आया तो हमने अपना ही बॉल माउंट इसमें इंस्टॉल करवाया था। तो कुछ इस तरह से इसमें आपको पीछे से लुक एंड फील मिल जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस ये जो बॉल माउंट है ये हमने अलग से खरीदा है, ये इसके साथ नहीं आएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की और जो भी इसमें कंट्रोल दिए गए हैं। तो सबसे पहले टीवी के साइड में हमें एक मिल जाता है पावर ऑन ऑफ बटन। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक पोर्ट मिल जाता है पावर केबल के लिए।
तो कहीं से अगर बात करें इसके पोर्ट्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिल जाता है 3 ऑडियो पोर्ट्स, इसके बाद हमें एक मिलता है यहाँ पर USB 2 पोर्ट्स, इसके बाद एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाता है, इसके बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है एक HDMI 2 पोर्ट। तो इतने पोर्ट्स हमें इस टीवी के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 3 पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है और एक RF पोर्ट मिल जाता है। तो कुल मिला के हमें इतने पोर्ट इसमें मिल जाते हैं। तो कैसे बात करते हैं इसके रिमोट की, तो कुछ इस तरह का हमें इसमें रिमोट मिल जाता है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन, इसके बाद एक म्यूट बटन मिल जाता है, इसके बाद चैनल चेंज करने के लिए, इसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन करने के वाला बटन, इसके बाद ये वाला जो बटन है ये होता है गूगल असिस्टेंट के लिए। तो इसमें इनबिल्ट सपोर्ट है फॉर गूगल असिस्टेंट, तो आपको ये बटन प्रेस करना है और कुछ भी आप बोलोगे तो वो सेम की सेम कमांड आपकी टीवी पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाते हैं 4 बटन, जो कि मेनली जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक बटन मिल जाता है नेटफ्लिक्स का, दूसरा है प्राइम वीडियोज़ का, तीसरा बटन मिल जाता है हमें यूट्यूब के लिए, और ये एक बटन मिल जाता है इसके मेन्यू के लिए। तो गाइस इसको सिंपली प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करके आप छोड़ोगे उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो कमांड अपने टीवी पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइक टेक एन एग्जांपल, मैं इसको प्रेस करता हूँ, अब मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं इसके बाद कमांड दूंगा ओपन यूट्यूब। तो ये आपने देखा कि इसमें इनबिल्ट जो सपोर्ट है गूगल असिस्टेंट का वो हमें मिल जाता है, और इस तरह हम कोई भी ऐप खोल सकते हैं, कोई भी चीज़ को इसमें सर्च कर सकते हैं काफ़ी इजीली। इसके बाद गाइस बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें लगा हुआ है एंड्रॉयड टीवी 9.0, जो कि साथ में आता है ऑक्सीजन प्ले के साथ। तो ऑक्सीजन प्ले क्या होता है, ये एक लेयर होती है जो कि वन प्लस प्रोवाइड करता है, और ये अपनी लेयर लगाता है जिससे आपको मिल जाता है कस्टमाइज एंड्रॉयड 9.0। तो जो ऑक्सीजन प्ले है वो काफ़ी अच्छा है लुक एंड फील में, जैसे कि आप देख सकते हो इसके होम पर हमको मिल जाते हैं हमारे फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म्स। साथ में अगर बात करें यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह की, तो सबसे पहले किस तरह की इनपुट आपको देना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आप टीवी वगैरह चला रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ से HDMI 1 और कुछ भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। तो जिस भी तरह का आपको इनपुट देना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसके बाद करें यहाँ पर हमको मिल जाता है वाईफाई से कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन। तीसरा है मेन सेटिंग्स, यहाँ पर हमको मिल जाती है मल्टीपल सेटिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर है नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद है चैनल सेटिंग, ये अकाउंट साइन इन वगैरह, उसके बाद ऐप्स को लेके सेटिंग है, इसके बाद है मिल जाता है डिवाइस प्रेफरेंसेस। तो जब हम डिवाइस प्रेफरेंसेस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमें मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाती हैं, लाइक डेट एंड टाइम, टाइमर, लैंग्वेज, कीबोर्ड, इनपुट्स, पावर, पिक्चर क्वालिटी पे हम जो भी सेटिंग्स है वो कर सकते हैं, पावर को लेकर कर सकते हैं, इसके बाद साउंड को लेकर जो भी हमारी सारी सेटिंग्स नॉर्मल टीवीज में आती हैं वो सारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा स्टोरेज रिलेटेड है वो भी हम सब देख सकते हैं। इसके बाद है होम स्क्रीन, तो अगर आपको होम स्क्रीन अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो होम स्क्रीन के रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद एक ये शॉप मोड है, गूगल असिस्टेंट, क्रोम बिल्टिन, तो इसके साथ जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया जो क्रोम कास्ट बिल्टिन आता है, स्क्रीन सेवर, डेवलपर्स ऑप्शन, तो मल्टीपल सेटिंग्स यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। इसका अदर लुक एंड फील की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आप ऐप्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद साइड में आपको आपके फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी हमें अपने फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म वगैरह मिल जाते हैं। दूसरा आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली हमको जो भी हमारी रिसेंट सर्च के हिसाब से वीडियो रिकमेंड करता है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि सारे के सारे जो भी फीचर्स हैं रिकमेंडेड वो हमें अपने होम स्क्रीन पर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नेटफ्लिक्स से हमको ये दिखा रहा है, इसके बाद यूट्यूब पे आए तो यहाँ पर भी ये सारे जो रिकमेंडेड वीडियोस वगैरह हैं ये सारे हमको मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग दिखा रहा है, इसके बाद बूट, तो ये मल्टीपल थिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो लुक एंड फील है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें हमें मिलता है एंड्रॉयड टीवी 9.0 विद ऑक्सीजन प्ले। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, यूजर रेटिंग की और वारंटी डिटेल्स की। तो अगर आप बात करें इसकी प्राइस की, तो इसको मैंने परचेस किया है अमेजोन से, और जब मैंने इसको परचेस किया था 6 मंथ बैक तो ये मुझे पड़ी थी 24,000 की। तो इसके बाद अगर बात करें वारंटी की, तो इसके साथ हमें मिल जाती है 1 साल की वारंटी। इसके बाद अगर बात करते हैं यूजर रेटिंग की, तो इसको अमेजोन पर करीब करीब 16,000 लोगों ने रेट किया हुआ है, और इसकी जो एवरेज यूजर रेटिंग है वो 4 है। अगर आप बात करो मेरी पर्सनल रेटिंग की, तो मैं इसको दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और यह एक एंड्रॉयड टीवी है तो इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी एंड्रॉयड ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो और मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म आप इसमें यूज़ कर सकते हो, तो मेरे लिए एक ये अच्छा फीचर्स है। साथ में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है, तो गाइस मेरे लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है, इसलिए मैं दूंगा इसको 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू इस स्मार्ट टीवी का, जो कि एक एंड्रॉयड टीवी है।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। तो वैसे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, साथ में आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, दबाओ नोटिफिकेशन की बेल ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो आईडी है वो है मानसी सेल। तो गाइस वीडियो को अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।